सर्जरी के बारे में जो अब एडवांस टेक्नोलॉजी से की जा रही है, जो लैप्रोस्कोपी से की जाती है, और जिसमें ना तो चीरा बहुत ज़्यादा लगता है, ना इन्फेक्शन का डर होता है, ना ही हार्ट को ओपन करने की ज़रूरत होती है, फिर आखिर ये सर्जरी कैसे होती है और कितने कम समय में इसमें पेशेंट को आराम हो सकता है और इसके बाद वो अपने काम पर कितनी जल्दी लौट सकता है, ये महत्वपूर्ण जानकारी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। और हमारे साथ में कार्डियक सर्जन डॉक्टर निशांत सिंह चंदेल। डॉक्टर निशांत, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब यही आपसे कहना भी चाहूँ और जानना भी चाहूँ कि भारत जैसे देश में अगर आप बीमारियों की लिस्ट देखें तो डायबिटीज़ के बाद मुझे लगता है कि हार्ट से जुड़ी जो डिजीज़ है और खास करके हार्ट अटैक का जो रेट है वो बहुत बढ़ा है। अभी पिछले कुछ महीनों से आपने देखा होगा कि यंग लोगों में भी हार्ट अटैक बहुत तेज़ी से हो रहा है, तो इस बारे में एज ए हार्ट सर्जन आप क्या देखते हैं, मतलब क्या सोचते हैं? देखिए ज्योति, ऐसा है कि हार्ट की बीमारियों के बढ़ने का कोई एक स्पेसिफिक कारण अगर मैं कहूँ तो वो नहीं है, और ये मल्टीफैक्टोरियल है। इसमें आपकी एज का रोल है, आपकी एक्सरसाइज करने ना करने का रोल है, एडिक्शन का रोल है, कोलेस्ट्रॉल, बीपी, डायबिटीज़, जेनेटिक, अगर आपके माँ पिताजी भाई बहन को किसी को हार्ट की बीमारी थी तो आप एक्सपोज हो जाते हैं कि जल्दी आपको ये बीमारी होगी, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन आप जानते हैं उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, लाइफ स्टाइल अभी बहुत डिमांडिंग है हमारे कैरियर, तो ऐसा हो सकता है कि हम देर रात तक काम करें या रात की शिफ्ट करें सुबह सोएं, तो व्हेन वी आर चैलेंजिंग द नेचर देन नेचर पनिशेज अस। तो ये बेसिकली लाइफ स्टाइल डिजीज़ हम इनको कहते हैं, जो कि एडवांसमेंट की वजह से, जो स्ट्रेस बढ़ने की वजह से, लाइफ स्टाइल चेंज होने की वजह से बढ़ती जा रही हैं, और इनका कोई कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है। बिकॉज अगर आप अपनी जॉब में ये बोलते हैं कि मैं रात में नहीं आऊँगा, मैं 8 बजे खाना खा के सो जाता हूँ, तो वो डिफ़िकल्ट हो जाता है आपके कैरियर के लिए। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो चीज़ें मॉडिफाइबल हैं कम से कम हम उनको ठीक रखें। एज ए कार्डियक सर्जन अब मैं आपसे बात करूं, पहले के समय में ये था कि अगर हार्ट अटैक हुआ है और सर्जरी पे जाना है, क्योंकि हार्ट का मतलब ही वही है कि अटैक के बाद आपको सर्जरी में जाना है मैक्सिमम केसेस में, तो ये था कि ओपन हार्ट सर्जरी, बाईपास सर्जरी, जिसको लेके लोगों के मन में सीधा तौर पे मैं कहूँ कि एक डर होता है कि वापस हम जिंदगी में लौटेंगे या नहीं। लेकिन अब चूंकि मेडिकल साइंस ने काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि हमने सुना कि आप एक एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ सर्जरी पे काम कर रहे हैं। जी ज्योति, जब मैं पढ़ाई कर रहा था कार्डियक सर्जरी की, तो मुझे याद है अभी भी कि जब हम लोग किसी पेशेंट को बाईपास सर्जरी या हार्ट सर्जरी के लिए ओटी में शिफ्ट कराने आते थे एज अ ट्रेनी, तो पेशेंट को शिफ्ट करना होता है कंपनी करके ऑपरेशन थिएटर तक, तो उससे मिलने के लिए पूरा खानदान रहता था और सब गले मिलकर और फूट फूट के रोते थे जैसे अंतिम यात्रा पे कोई जा रहा है। ऑब्वियस ही बात है, उस समय लोगों को डर था कि हार्ट सर्जरी का सक्सेस परसेंटेज उस समय बहुत अच्छा नहीं था, बट ग्रेजुअली टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, फिर उसके बाद जो हम कहते हैं कि लर्निंग बाय डूइंग, जो लर्निंग कर्व होता है, उसके वजह से अब ट्रेनिंग इतनी ज़्यादा अच्छी हो गई है कि अब कार्डियक सर्जरी के जो रिस्क है वो किसी भी दूसरी जनरल सर्जरी के बराबर ही है। जैसे समझिए आप गॉल ब्लैडर सर्जरी या सिजेरियन सेक्शन सर्जरी, उससे ज़्यादा रिस्क अब हार्ट सर्जरी में आज के तारीख में नहीं है। दूसरी बात, हार्ट सर्जरी से सबसे ज़्यादा लोगों को डर ये लगता था कि ऑपरेशन के लिए जाएंगे तो छाती में एक बड़ा सा चीरा देंगे, हड्डी काट देंगे और हार्ट के साथ बहुत सारा काम होगा। डेफिनेशन के हिसाब से भी ओपन हार्ट सर्जरी इज़ अ सर्जरी जिसमें कि सामने से ब्रेस्ट बोन जो होती है हमारी, ये बोन उसको हम काटते हैं और ओपन करके हार्ट सर्जरी करते हैं। अब टेक्नोलॉजी धीरे धीरे एडवांस होती गई और जैसे हम कहते हैं ना, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, तो जैसे लैप्रोस्कोपिक सर्जरी का डेवलपमेंट हुआ 90s में कि पेट का पहले ऑपरेशन होता था चीरा देके और अपेंडिक्स या गॉल ब्लैडर होता था, तो उसमें धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ कि हम बिना चीरा दिए कर सकते हैं क्या, तो उन्होंने स्कोप्स ईजाद किए, स्कोप के द्वारा सर्जरीज करने शुरू की, धीरे धीरे सक्सेस होती गई। और आप आज के तारीख में ऐसा है कि अपेंडिक्स करना है मतलब लैप्रोस्कोपी से ही होगा, ओपन सर्जरी अगर आप करते हो तो आपको अलग से लोगों से बात करना पड़ता है कि आपके केस में हमको करना पड़ रहा है, विच इज़ लेस देन 0.1%। ठीक वही टेक्नोलॉजी कार्डियक सर्जन्स ने 2009-10 के आसपास अडेप्ट करनी शुरू की, जिसमें ये प्रयास करना शुरू किया गया कि अगर हार्ट सर्जरी करना है तो बिना बोन काटे हम कर सकते हैं क्या, और वैसे ही स्कोप यूज़ करके। तो व्हाट वी आर यूजिंग, हम सामने से हड्डी नहीं काटते हैं, हम साइड से अप्रोच करते हैं, या तो इस साइड से या इस साइड से।
और रिब्स के बीच में जो जगह होती है उस जगह को ओपन करते हैं और उसमें से स्कोप्स डालते हैं, उसमें से एक वर्किंग पोर्ट बनाते हैं और उसके थ्रू हार्ट की पूरी सर्जरी बीटिंग हार्ट करते हैं। अच्छा। तो हार्ट को रोकना नहीं पड़ता इसमें हमको, बोन को काटना नहीं पड़ता और इंसिजन छोटा लगता है। जो कन्वेंशनल ओपन हार्ट सर्जरी थी उसमें करीब 10 या 12 इंच का चीरा लगता था और इसमें हमको मुश्किल से 2.5 या 3 इंच का चीरा लगाना पड़ता है, बोन नहीं काटना पड़ता। तो जो मोस्ट ऑफ द कार्डियक सर्जरी के पेशेंट्स आते हैं, स्पेशली बाईपास सर्जरी के पेशेंट्स, वो डायबिटिक होते हैं या ओबीज होते हैं, मोटे होते हैं। दोनों ही कंडीशन में वुंड हीलिंग एक बड़ा चैलेंज होता है। तो आप जितना बड़ा काटोगे उतना बड़ा मुश्किल रहेगी इन्फेक्शन लगने में, ब्लीडिंग होने में, वुंड हीलिंग होने में, और जितना टाइम लगेगा वुंड हीलिंग होने में उतना पेशेंट के लिए परेशानी है, छुट्टी लेके बैठना पड़ेगा, एक डोमेस्टिक हेल्प लगेगी जो उठा के बाथरूम ले जाए, नहलाने ले जाए, ये सारा काम। तो इसके वजह से पेशेंट्स को सर्जरी के बाद लाइफ बच भी गई तो भी मुसीबतें, 3 महीना 4 महीना परेशान रहते थे मरीज सर्जरी के बाद भी, हाँ चैलेंजेस हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। पर मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी जब मैं करता हूँ तो इसका रिकवरी पैटर्न ऐसा है कि समझो मैंने 1 तारीख को आपकी सर्जरी की, आप 8 या 9 तारीख को आप घर चले जाते हैं, 18 या 19 तारीख को आप मेरे पास फॉलो अप में आते हैं चेकअप कराने के लिए कि आपका हार्ट ठीक है, कोई और कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रहा है, और मैं आपको 20 तारीख को ये लिख कर देता हूँ कि आप 20 तारीख से अपने काम पर जाइए, आप अपने ऑफिस जा सकते हैं, आप अपने ड्राइविंग के काम पे जा सकते हैं, आप अपना अगर कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हैं तो काम कर सकते हैं बिल्कुल। तो ये ऐसा ही हो गया जैसे कि कोई लड़की सिजेरियन सेक्शन करके अपना जॉब ज्वाइन कर लेती है, कोई आदमी अपेंडिक्स करा के, इट इज लाइक एनी अदर नॉर्मल सर्जरी। अच्छा, इसमें लोगों को क्या समझाने में दिक्कत होती है, क्योंकि लोगों के मन में ये है कि ओपन हार्ट सर्जरी होगी, हार्ट बंद होगा, उसके बाद उसमें सर्जरी होती है तो वो सक्सेस होता है। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी हार्ट बीट के साथ करने में कितना चैलेंज है, और क्या आपको लगा कि मरीज को या उनके जो परिजन है उनको थोड़ा सा समझाने में या इसको लेकर कुछ परेशानी होती है? नहीं, एक्चुअली इसका इनोवेशन का प्रोसेस जो थी स्टेप वाइज हुआ है। जैसे 90s में जो हार्ट सर्जरी होती थी वो कन्वेंशनल हड्डी काट के हार्ट को रोक के मशीन के सपोर्ट से करते थे, फिर 90s जैसे जैसे ख़त्म हुआ 2000s में सर्जन्स ने बीटिंग हार्ट सर्जरी पे मास्टरी हासिल की कि हार्ट बीट कर रहा है और आप उस पर सर्जरी कर रहे हो। ये मास्टरी होने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप कि अब पूरा हड्डी नहीं काटेंगे और अब दूरबीन के द्वारा करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप, अब जब इस पे हमने मास्टरी हासिल कर ली है कि मैं ये कहता हूँ कि मैंने पिछले करीब 2.5 साल से मैंने किसी भी पेशेंट का ओपन हार्ट सर्जरी नहीं किया। अच्छा। मैंने ऑलमोस्ट 100% पेशेंट्स का, जो कि करीब करीब 700 से 800 पेशेंट हैं, मैंने सभी का मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी किया। तो सब सक्सेस, इसका सक्सेस रेट इज़ एज हाई एज 98-99%। अलग अलग डिजीज़ के सक्सेस परसेंटेज अलग होते हैं सीवियरिटी ऑफ इसके हिसाब से। तो बाईपास सर्जरी आई ऑलवेज से कि इट हैज़ अ सक्सेस परसेंटेज ऑफ 99%। 1% फेल्योर है बट 99% पेशेंट सर्वाइव। ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप इससे फिर आगे बढ़ना, नाउ वी आर लुकिंग टूवर्ड्स रोबोटिक्स, जिसमें हम टोटल सर्जरी रोबोट से करेंगे। अच्छा, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के बाद जैसा आप कह रहे हैं कि रोबोटिक सर्जरी के जरिए भी आने वाले समय में हार्ट की सर्जरी पॉसिबल? जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबल होगी, बल्कि कुछ सेंटर्स में हिंदुस्तान में रोबोटिक सर्जरी शुरू भी हो गई है, बट इट बीइंग वेरी कॉस्टली, तो कॉस्ट की वजह से अभी हमारे शहरों में ये इतना आसानी से अभी आ नहीं पाएगी, ऐसा मेरा अनुमान है कि 2 से 3 साल में मेरा ऐसा अनुमान है कि हम लोग रोबोट्स की तरफ जा सकेंगे। अच्छा, ये जो हार्ट की सर्जरी होती है, हमने देखा कि कई बार बच्चों में भी जरूरत पड़ती है, तो कितने प्रकार की सर्जरी होती है और किन केसेस में आप ये सर्जरी कर पाते हैं? देखिए, छोटे बच्चों की सर्जरी जैसे आप जानती हैं कि बहुत कॉमनली लोग जानते हैं, हार्ट में होल होते हैं ज़्यादातर, जिसको कि रिपेयर करने के लिए सर्जरीज होती हैं, और कुछ केसेस में हार्ट की नसें उल्टी पुल्टी बनी होती हैं जिनको हमको ठीक करना होता है। मैं आपसे जिस विषय में बात कर रहा हूँ वो टोटली मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी पर ही है कि हम क्या यह सर्जरी बिना ओपन हार्ट के दूरबीन के द्वारा कर सकते हैं। तो छोटे बच्चों के ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूँ कि 60% बीमारियाँ ऐसी हैं
जिसमें हम दूरबीन से ये ऑपरेशन कर सकते हैं। इसमें छाती पूरा काट के ऑपरेशन नहीं करना पड़ता। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट मैं देखता हूँ एक गर्ल चाइल्ड में, क्योंकि अपनी सोसाइटी अभी भी इट हैज़ अ टैबू कि अगर किसी बच्ची के छाती पे बड़ा सा चीरा है तो शादी के लिए उसको दिक्कत होगी। तो जो गर्ल चाइल्ड होती है या छोटी लड़कियाँ होती हैं अनमैरिड, जब उनमें मैं छोटे से चीरे से सर्जरी करता हूँ तो वो इंसिजन या तो एक्जिला, मतलब इनका जो एक्जिला है उसमें छुप जाता है, या ब्रेस्ट का जो फोल्ड होता है उसके नीचे एक छोटा सा 2 इंच का इंसिजन आता है। तो ये ये ऐसा इंसिजन है कि इसको अगर लड़की ना चाहे तो कोई भी नहीं जान सकता कि उसके सर्जरी का इंसिजन है, ठीक है। तो इसका बहुत बड़ा सोशल बेनिफिट है इन बच्चों को कि अगर कोई सर्जरी है जिसमें कि कंपलसरी है कि बच्चे की सर्जरी होनी है, और माँ बाप इस बात से चिंतित हैं कि जब हमारी गुड़िया बड़ी होगी तो उसकी शादी कैसी होगी, या कोई लड़का है जो कि टी शर्ट वेस्ट पहन के वॉलीबॉल खेलना चाहता है और उसको लगता है बड़ा सा इंसिजन दिखेगा तो लोग मजाक उड़ाए, तो उनके लिए ये बहुत बेनिफिट का है। अच्छा, इसका बेनिफिट थोड़ा सा और हम चर्चा में आपसे करूं डॉक्टर साहब, कि वो सर्जरी जो पूरी रिब्स काट के जो ओपन की जाती थी उसकी तुलना में इसमें आप देखिए तो सक्सेस रेट तो बढ़ा ही है। हमको लगता है कि वो सर्जरी में चैलेंजेस बहुत ज़्यादा थे, जैसा कि शुरू में भी आपने बताया कि इन्फेक्शन का रेट जो है, और कई बार ये होता था कि दोबारा सर्जरी करने की भी जब नौबत आती थी तो हमें लगता है कि ये केस में तो दोबारा कभी अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप इसमें फिर से वापस सर्जरी पर जा सकते हैं। इसमें क्योंकि देखिए क्या है कि रिपीट सर्जरी जिन केसेस में लगती है उसमें सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि प्रीवियस सर्जरी की वजह से सब कुछ चिपक गया होता है, तो हार्ट को सेपरेट करना एक बड़ा चैलेंज होता है। इस सर्जरी में क्योंकि हम दूरबीन से कर रहे हैं तो ज़्यादा क्योंकि एक्सपोजर नहीं है हार्ट का, तो रिपीट सर्जरी में हमको ऑलमोस्ट वैसा ही वर्जिन फील मिलता है। तो ऑपरेट करने के लिए अगर रिपीट सर्जरी लगी किसी पेशेंट को तो इट बिकम्स वेरी सेफ। अच्छा, एज का कुछ क्राइटेरिया है? क्योंकि देखिए ओपन हार्ट सर्जरी या बाईपास सर्जरी जिसे कहते हैं उसमें ये कहा जाता था कि अगर बहुत ज़्यादा एज है आपकी तो आपका सक्सेस रेट कम होगा क्योंकि आप बहुत कमज़ोर हैं, या उम्र बहुत ज़्यादा है, या शरीर से बहुत कमज़ोर है। तो मुझे तो लगता है कि ये सर्जरी एज के लिए भी कोई कंडीशन नहीं है, ये ज़्यादा बेहतर है। देखिए अभी तक जो मैक्सिमम एज के पेशेंट मैंने ऑपरेट किए हैं 86 ईयर के एक स्वामी जी हैं जिनका मैंने सर्जरी किया, 84 ईयर की एक ओल्ड लेडी हैं। इन पेशेंट्स में सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है कि ओल्ड एज की वजह से बोन से कैल्शियम खत्म हो जाता है। तो जब आप हड्डी को काटते हैं और उसके बाद उसको सिलते हैं स्टील के तार से तो ये जुड़ते ही नहीं हैं। और पेशेंट अगर खांसी करता है, बिकॉज ओल्ड एज में लोगों को खांसी और ये इश्यूज रहते हैं, खांसी करते हैं तो ये तार होते हैं ये हड्डी को काट देते हैं, तो हड्डी के कई टुकड़े हो जाते हैं। उनको फिर आपस में सिल के स्टेबल करना बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। तो बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो सर्जरी से रिकवरी होकर घर जाते हैं, 2 महीने बाद वुंड के इन्फेक्शन और कॉम्प्लिकेशन की वजह से एडमिट होते हैं और फिर एक्सपायर हो जाते हैं। तो उसके लिए तो ये वरदान साबित है। तो ये छोटे बच्चों के लिए जिनके लिए कॉस्मेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जवान आदमी जिसके लिए फास्ट रिकवरी इंपॉर्टेंट है ताकि उसको 3 महीना 4 महीने की छुट्टी ना लेना पड़े। प्राइवेट जॉब वाला जैसे ही बोलता है मुझे 3 महीने की छुट्टी चाहिए उसको नौकरी से निकाल देते हैं। तो जिसको कि फास्ट रिकवरी करना है ताकि अपने काम पे वापस जा सके, एज के लिए भी बहुत अच्छा है। खेती करने वाला या ड्राइविंग करने वाला जिसको टैक्सी चलानी है, अगर उसको बोलोगे 3 महीना टैक्सी नहीं चलाना है तो वो कैसे काम। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें वर्क कैपेसिटी में भी तो आप देखिए कि फर्क पड़ता है। जब पूरा आपका बोन कटा ही नहीं, आपको बहुत ज्यादा एक्सपोजर नहीं हुआ, तो मुझे लगता है कि आपकी एफिशिएंसी प्रभावित नहीं हुई है। एफिशिएंसी प्रभावित नहीं होती है। देखिए इसमें ये समझना होगा कि हमारा जो शोल्डर गर्डल है वो 2 हड्डियों पे टिका है, एक स्टर्नम और एक पीछे वर्टिब्रल कॉलम। स्टर्नम को जब हम काट देते हैं तो इसका मैकेनिक्स बिगड़ जाता है। तो पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में पेशेंट्स को शुरुआत में तो हम 3 महीना मना करते हैं कि आप कुछ काम मत करो, झटका लगेगा तो हड्डी टूट सकती है। लेकिन उसके बाद भी पेशेंट्स को, किसी को शोल्डर जाम का तकलीफ, किसी को पीठ दर्द की तकलीफ, किसी को छाती दर्द की तकलीफ, ये 6 महीना 8 महीना लगे ही रहता है। तो उससे बच गए आप। और अगर आपका काम हैवी है, ज़्यादा वजन का काम है, तो कोई मिस्त्री है, कोई मजदूर है, तो क्योंकि आपकी हड्डी नहीं कट रही है तो बॉडी का म्यूटिलेशन कम है, रिकवरी फास्ट है और रिकवरी कंप्लीट है, 100% रिकवरी हो रही है, आपको 80% 70% पे सेटल नहीं करना है। अच्छा, ये जो लेप्रोस्कोपी जो मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी आप बता रहे हैं डॉक्टर साहब, चूंकि ये भी हार्ट बीट पर ही हो रहा है और पहले भी आपने कहा कि ये हो रहा है,
तो क्या हार्ट से रिलेटेड कुछ अगर प्रॉब्लम होती है तो पहले की सर्जरी की तुलना में ये ज़्यादा इजी होता है? ये ज़्यादा बेहतर, ये डेफिनेटली ज़्यादा बेहतर है और ये कोई बहुत विचित्र काम नहीं है। टेक्नोलॉजी की वजह से दुनिया में हर चीज़ इम्प्रूव हो रही है, तो वैसे ही कार्डियक सर्जरी में भी ये इम्प्रूवमेंट है जो कि पिछले 8-10 सालों में हम लोगों ने सीखा है और अब एग्जीक्यूट कर रहे हैं। कोई ऐसा अपना अनुभव बताइए, क्योंकि मुझे लगता है बहुत बड़ी संख्या होगी जिसपे आपने हार्ट पे सर्जरी करते आ रहे हैं पहले भी और अब नई टेक्नोलॉजी के साथ में। कोई ऐसा अनुभव आपको रहा हो कि आज अगर ये सर्जरी नहीं होती तो हम इसकी जान गंवा देते? तो ऐसे कई एक्सपीरियंस होंगे बच्चों के साथ या बड़ों के साथ जो शेयर करना चाहें, ताकि लोग मोटिवेट भी हो सके कि सर्जरी के नाम से न डरें एटलीस्ट। जी, मुझे कम से कम ऐसे तो बहुत सारे पेशेंट हैं ज्योति, बट एक पेशेंट मुझे याद है, ही वॉज वेरी ओबीस, 149 kg के पेशेंट थे और उनकी हाइट थी 5 feet 6 inches या 7 inches। इतनी ओबेसिटी की वजह से उनको हैदराबाद तक वो जाकर आए थे, कोई भी सर्जन हाथ लगाने को तैयार नहीं था कि पोस्ट ऑपरेटिव, अच्छा एस्थमा के पेशेंट्स थे और रात में उनको सीपैप के लिए मास्क लगाना पड़ता था, तो ऐसी स्थिति में कोई भी सर्जन हाथ लगाने को तैयार नहीं था, एंजियोप्लास्टी पॉसिबल नहीं थी विद ऑल अटेम्प्ट्स। तो उनकी सर्जरी हमने ऐसे ही मिनिमल इन्वेजिव की एंड मुझे लगता है कि 12 या 13 दिन में हम उनको घर भेज सके। ऐसे ही एक लेडी थी 84 ईयर ओल्ड, जिनका वाल्व रिप्लेसमेंट करना था और उनका वजन था आई थिंक 36 kg, शी वॉज सो फ्रेल, ठीक है, और कोई भी सर्जन उनको ऑपरेट करने के लिए तैयार नहीं था, बिकॉज हार्ट का पंपिंग कम हो गया था, 20% हो गया था, सीवियरली इमेशिएटेड लेडी थी और एज भी बहुत ज़्यादा था। घर वालों ने भी हाथ मान लिया था कि ठीक है 84 ईयर्स जी गई, बहुत जी गई। जिनके पास भी जा रहे थे वो लोग एक एडवांस टेक्नोलॉजी जिसे हम कहते हैं टैवी कहते हैं, जिसके अंदर हम स्टेंट के जैसे हार्ट में वाल्व बैठा देते हैं। अच्छा। वो टेक्नोलॉजी अभी पिछले 4-5 सालों में तेज़ी से आ रही है इंडिया में, बट वेरी कॉस्टली, 26 लाख रुपए का प्रोसीजर है, तो दे वे आर नॉट अफोर्डिंग दैट अफोर्डेबल फॉर दैट। तो उन्होंने मुझसे संपर्क किया कि हम दूरबीन से हो सकता है सर्जरी, आई ऑपरेटेड एंड अब करीब करीब 1.5 साल हो गए हैं, और वो माता जी को देखकर आप बोल नहीं सकते हो कि वो किसी हार्ट सर्जरी से गुजरी हैं, एंड घर वाले भी बोलते हैं कि सर जैसी सेहत है उस हिसाब से तो लगता है सेंचुरी मारेंगी। ये बड़ा अचीवमेंट है, और कहीं कहीं देखिए कुछ केसेस में जो बात होती है वो सही होती है कि डॉक्टर्स जो होते हैं वो भगवान होते हैं, भगवान से कम भी नहीं होते हैं। दूसरा, मैं आपके माध्यम से और अपने कार्यक्रम के माध्यम से ये वो भी जानना चाहूँगी थोड़ी सी जागरूकता के लिहाज से, कि जैसे ही किसी के घर में अगर कह दिया जाए कि बाईपास होनी है, ओपन हार्ट सर्जरी होनी होती है, तो ठीक है ओपिनियन लेना सही है, लेकिन लोगों की एक टेंडेंसी होती है कि वो सर्जरी से बचकर उन्हें लगता है कि मेडिसिन में हम आ जाएं, तो क्या ये संभव है कि आप हार्ट सर्जरी जब डॉक्टर कह रहा है तो मेडिसिन से क्या ये संभव है कि वो ठीक हो? देखिए ऐसा है ज्योति, इसको आप एक कंपेयर करिए कि आपके घर की कोई मिक्सी खराब है या आपकी बाइक चलने पर झटका देती है, तो जब आप किसी मैकेनिक के पास ले जाते हो वो बताता है कि मैडम ये प्रॉब्लम है और हमको ये पार्ट चेंज करना पड़ेगा, तो आपकी कोशिश ये रहती है कि इसको किसी तरह रिपेयर कर दो, मैं अभी चेंज नहीं करवाना चाहती हूँ, और ऐसे में शोरूम वाला आपको मना करता है कि नहीं मैं रिपेयर नहीं करूँगा, इसको चेंज करवाइए, और कोई लोकल मैकेनिक आपको बोलता है कि हाँ मैं रिपेयर कर दूँगा, इससे थोड़े दिन आप चला लेना, आप खुशी खुशी रिपेयर करवा लेते हो कि हमारे का पैसे बच गए, और जब 1 साल बाद जब गाड़ी आपकी पूरी बंद हो जाती है तब उसके लिए जब आप शोरूम ले जाते हो कि ये तो पूरी बंद हो गई अब ठीक करो, तो जो काम पिछले साल 3,000 में होने वाला था उसके लिए आपको 23,000 रुपये खर्च करने पड़ते हैं, राइट। यही सेम चीज़ हमारे फील्ड में होती है, पेशेंट को जब हम बताते हैं कि आपको हार्ट सर्जरी लगेगी तो वो इमीजिएटली ढूंढना शुरू कर देता है ऐसे डॉक्टर को जो उसको तसल्ली दे कि मैं सब तुम्हारा दवाई से ठीक कर दूंगा, आयुर्वेदिक से ठीक कर दूंगा या इस दवाई से ठीक कर दूंगा या इस टेक्निक से ठीक कर दूंगा, सर्जरी की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। बट पेशेंट को ये समझना होगा कि अगर सर्जरी की ज़रूरत ही नहीं है तो फिर सर्जन बन क्यों रहे हैं, सर्जन हैं क्यों, सर्जरी विधा ही क्यों है, वो तो खत्म हो जानी चाहिए थी। तो जिस बीमारी का इलाज सर्जरी है उस बीमारी का इलाज सर्जरी ही है। ये बात ठीक है कि आप उसको थोड़े दिन गोलियाँ खा के ये करके टाल लेते हैं, लेकिन उससे प्रॉब्लम क्या होता है कि समझो आपको 2024 में मैंने बोला कि आपका वाल्व खराब है, आपको वाल्व रिप्लेसमेंट लगेगा, आपने बोला नहीं सर हम तो बहुत डर रहे हैं, तो गोलियों पे आप दवाई खा के 2024 से 2026 तक किसी तरह खींच लेते हो, पर इस दौरान आपका हार्ट डायलेट हो जाता है, आपके हार्ट का
जो रिदम है वो गड़बड़ हो जाता है, आपके हार्ट की पंपिंग 60% से कम होकर 30% पे आ जाती है। इसके बाद आप जो गोली 10 मिलीग्राम पे खा रहे थे 2024 में, वो 50 मिलीग्राम पे भी खाने पे आपको आराम नहीं है। अब आपका वही डॉक्टर जिसने 2024 में बोला था कि मैं दवाइयों में मैनेज कर लूँगा, वो बोलेगा कि अब दवाइयों से काम नहीं हो रहा है, अब आप सर्जरी करा लो। अब जब आप मेरे पास सर्जरी कराने आते हो तब तक आपका हार्ट पूरा खटारा हो चुका है, मैं सर्जरी करता हूँ और रिजल्ट ख़राब मिलता है, तो पेशेंट बोलता है हाँ हमारे डॉक्टर साहब ने बोला था कि सर्जरी मत कराओ मर जाओगे, मैं दवाई में चला दूंगा और हम देखो 2 साल अच्छा चले दवाई में सर, और सर्जरी करा के हमारा काम ख़राब हो गया। बट उनको ये नहीं समझ में आता कि जो काम 2024 में सर्जरी करके आप 2042 तक जी सकते थे, 2026 में ही आपका काम तमाम हो गया। तो ज़रूरी ये है कि आप क्वालिफाइड डॉक्टर से ओपिनियन लें और आप सेकेंड ओपिनियन ज़रूर लें, बट ऐसे लोगों से लें जिसको इंटरवेंशन और मेडिकल दोनों की समझ हो। बिल्कुल, एक महत्वपूर्ण सवाल डॉक्टर साहब, वैसे ही आजकल मेडिकल में चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं, लोगों को कई बार फाइनेंशियली भी क्राइसिस होते हैं और हार्ट सर्जरी में फीस बहुत ज़्यादा होती है, ऐसे में श्री वेंकटेश चूँकि आपका अपना हॉस्पिटल है, ऐसे में जो कार्ड्स हैं जो इंश्योरेंस के कार्ड्स हैं जो बीमा हैं, क्या ऐसी सुविधा आप प्रदान करते हैं लोगों को ताकि वो डरे भी ना और फाइनेंशियली अगर उनके पास में अगर कार्ड है तो वो इजीली इससे बाहर आ सके। इस समय ज्योति हमारा हॉस्पिटल जनवरी में ही ओपन हुआ है, तो वी आर इन द प्रोसेस ऑफ टाई अप्स, जिसमें बहुत सारे इंश्योरेंस का हमको ऑलरेडी टाई अप्स हो गए हैं, बहुत सारे PSUs जो होते हैं उनके टाई अप्स प्रोसेस में हैं, उसके कुछ नॉर्म्स होते हैं। गवर्नमेंट की जो स्कीम है आयुष्मान स्कीम, उसके लिए भी हम लोगों ने अप्लाई कर रखा है, बट सो फार इन लास्ट 6 मंथ्स अभी हमको वो एम्पैनलमेंट मिला नहीं है, बट वी आर इन द प्रोसेस, और वो जैसा मिल जाएगा तो इसका बेनिफिट डेफिनेटली पास ऑन करेंगे पेशेंट्स। बिल्कुल, तो आखिरी में एक मैसेज मैं आपसे ज़रूर चाहूँगी कि पहले तो ये कि हार्ट से जुड़ी बीमारी ना हो, लेकिन अगर हो गई है तो ट्रीटमेंट प्रॉपर करा लें, उसके बाद ज़िंदगी आपकी बहुत अच्छी हो सकती है, एक मैसेज आप ज़रूर दीजिए। जी हाँ, मैं बस आपके दर्शकों को यही कहना चाहूँगा कि देखिए आप बीमारी से डरिए, इलाज से मत डरिए। ये बात ठीक है कि किसी भी मेडिकल ट्रीटमेंट में 100% सक्सेस गारंटी नहीं हो सकता, लेकिन अगर किसी सर्जरी में फेल्योर का परसेंटेज 1% है और उस बीमारी का फेल्योर परसेंटेज 80% है, तो डेफिनेटली ये बेहतर बेट है कि आप 1% पे अपना दांव खेलें और सर्जरी कराएं या मेडिकल ट्रीटमेंट लें, बनिस्बत की उससे भागें और बाद में अपना परमानेंट नुकसान कर ले। तो काफ़ी अहम जानकारी इस नई टेक्नोलॉजी की डॉक्टर साहब आपने दी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम में आज बस इतना ही, तो कोशिश कीजिए कि दिल की बीमारी आपको हो ही ना, लेकिन अगर हो गई है और अगर आपको डॉक्टर सर्जरी के लिए कह रहे हैं तो जैसा कि डॉक्टर चंदेल ने बताया कि एडवांस टेक्नोलॉजी हार्ट की सर्जरी भी मिनिमल इन्वेंसी यानी कि लैप्रोस्कोपी के माध्यम से हो सकती है, तो इलाज जरूर कराएं क्योंकि जिंदगी बहुत कीमती है, इसके साथ कोई खिलवाड़ ना करें। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। पर्वत से ऊंचा ही रहे गौरव ये बढ़ता था।